नमस्कार, मैं वाशु। आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल। और यार, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बी बुक का चैप्टर इफ आई वर यू, रिटन बाय डॉगलस जेम्स। ये ड्रामा है दो कैरेक्टर गेराल्ट और इंट्रूडर के बीच में। गेराल्ट एक प्ले राइटर है जो एक ड्रामा कंपनी में प्ले लिखा करता है, और वहीं इंट्रूडर एक आइडेंटिटी थेफ है जो अभी अभी एक मर्डर करके गेराल्ट के घर आता है, इस फिराक में कि वो गेराल्ट को मार देगा और उसकी आइडेंटिटी को ले लेगा और उसके जगह पे उसके घर पे रहेगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या इंट्रूडर अपने इस मंसूबे में कामयाब होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये ड्रामा शुरू होता है जब गेराल्ट अपने घर में एकदम फॉर्मल टोन में किसी से टेलीफोन में बात कर रहा होता है। वो कहता है, यार मुझे ये पता होना चाहिए, उसे कहो कि वो मुझे खुद ही कॉल करे। और हाँ, वैसे मुझे लगता है कि मैं अभी अपने घर में ही रुकने वाला हूँ, लेकिन मैं अगले 10 मिनट में वहाँ पहुँच सकता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, फोन रखो, गुड बाय। कि तभी इंट्रूडर गेराल्ट के घर की खिड़की तोड़ के उसके घर के अंदर आ जाता है और उसकी तरफ अपनी गन पॉइंट आउट करता है और आगे चलने लगता है। कि तभी उसका पैर एक टेबल में टकराता है और उसकी आवाज़ से गेराल्ट तुरंत पीछे मुड़ता है। वैसे तो गेराल्ट उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो थोड़ी हिम्मत से काम लेता है। ओ मिस्टर, आपको देख के बहुत खुशी हुई। इंट्रूडर कहता है, मुझे भी तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा चलो हैंड्स अप। गेराल्ट कहता है, यार ये थोड़ा ज़्यादा ही ड्रामेटिक नहीं हो गया? इंट्रूडर कहता है, शांति बनाए रखें, चुपचाप हाथ उभर कर लो। गेराल्ट कहता है, अच्छा आप मुझसे बात करना नहीं चाहते? इंट्रूडर कहता है, भगवान का लाख लाख शुक्रिया तुम समझे तो। अच्छा ज़रा होशियार मत बनो, चुपचाप शांत हो जाओ और मैं तुमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ केवल और केवल उसी का जवाब दो। गेराल्ट कहता है, हाँ बेशक मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन इस पोजीशन में नहीं। यार खड़े खड़े क्वेश्चन पूछोगे क्या? बैठ तो जाने दो। इंट्रूडर कहता है, हाँ ठीक है वहीं पे बैठ जाओ, लेकिन हाँ मेरे साथ कोई होशियारी मत करना। और हाँ, अब हम तुम्हारे लाइफ के बारे में थोड़ा सा टॉक करेंगे। गेराल्ट कहता है, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं हमेशा से चाहता था कि कोई मेरे बारे में सुने तो, कोई मेरे लाइफ के बारे में जाने तो, कि कैसे बचपन में मुझे चोरी कर लिया गया था एंड ऑल दैट, और मैं 32 ईयर की एज में इस छोटे से कॉटेज में, इस छोटे से गाँव में अकेले क्यों रहता हूँ? इंट्रूडर कहता है, शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुनना, वो तुम अपने तक ही रखो, मुझे केवल वो जानना है जो मैं जानना चाहता हूँ। गेराल्ट कहता है, आई एम सॉरी। हाँ पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? इंट्रूडर कहता है, तुम यहाँ पे अकेले रहते हो? गेराल्ट कहता है, अगर मैं आंसर ना दूँ तो? इंट्रूडर कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हें ज़्यादा दर्द थोड़ी होगा। गेराल्ट कहता है, वैसे ये कोई सेंस नहीं बनाता है कि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे नहीं मारो तो आप मुझे सच में नहीं मारोगे, है ना मिस्टर? गेराल्ट इंट्रूडर का नाम अटक अटक के ले रहा था, क्योंकि उसे इंट्रूडर का नाम पता नहीं था और वो ये जानना चाहता था कि आखिरकार इंट्रूडर का नाम है क्या। कि तभी इंट्रूडर कहता है, मेरा नाम जानने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है, मिस्टर गेराल्ट। अच्छा वैसे मिस्टर गेराल्ट, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? गेराल्ट कहता है, विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर कहता है, क्या तुम कार चलाते हो? गेराल्ट कहता है, नो। इंट्रूडर कहता है, झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम कार चलाते हो, मैंने तुम्हें देखा है। और हाँ, तुम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश तो करो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होशियार मैं हूँ, तुम नहीं। गेराल्ट कहता है, क्या तुम एक अमेरिकन हो या फिर तुम केवल केवल होशियार होने की कोशिश कर रहे हो? इंट्रूडर कहता है, देखो मिस्टर गेराल्ट, ये जो मेरे हाथ में गन है ना, ये खिलौना नहीं है, इससे मैं तुम्हें शूट कर सकता हूँ। गेराल्ट कहता है, ऑफकोर्स मेरे पास एक कार है, वो वहाँ नीचे गैरेज में रखी हुई है। इंट्रूडर कहता है, हाँ अब ठीक है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे लोग आया करते हैं? गेराल्ट कहता है, बहुत ही ज़्यादा रेयरली, सुबह ब्रेड और मिल्क वाला आता है और कभी कभी सब्जी वाला आ जाया करता है। इंट्रूडर कहता है, अच्छा एक चीज़ बताओ कि तुम सामान लेने खुद क्यों नहीं जाया करते हो? गेराल्ट कहता है, ओह तुमने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, अच्छा तुम मेरे बारे में तो बहुत ज़्यादा जान गए, कुछ अपने बारे में बताओ। इंट्रूडर कहता है, देखो यार ठीक है कि तुम होशियार हो, लेकिन यहाँ पर तुमसे ज़्यादा होशियार मैं हूँ, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और चुपचाप उसी क्वेश्चन के आंसर दो जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। गेराल्ट कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारे पास दिमाग भी है? यार मेरे कॉटेज की खिड़की तोड़ के तुम अंदर आ गए और तुम कहते हो कि मेरे पास दिमाग है, तुम कौन सा ऐसा बहुत महान काम कर दिए? अच्छा ये बताओ, क्या तुम किसी टाइप के स्पेशल चोर हो या फिर ऐसे ही कुछ भी कर लिया करते हो? इंट्रूडर कहते हैं, मैं ज्वेलरी रोबरी में एकदम एक्सपर्ट हूँ। गेराल्ट कहते हैं, ज्वेल रोबरी में? यार तुम्हें पता है तुम बहुत गलत जगह आ गए हो, यहाँ इस शहर एसेक्स में तो लोगों के पास गोल्ड है ही नहीं। इंट्रूडर कहता है, हाँ ये मुझे भी पता है, यहाँ लोगों के पास ज़्यादा गोल्ड नहीं है तो यहाँ ज़्यादा चोरी नहीं होती है, चोरी नहीं होती तो यहाँ पे पुलिस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आराम से रह सकता हूँ। गेराल्ट कहता है, इसका मतलब तुम मेरे साथ रहने वाले हो? लेकिन यार मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था, ये तो एकदम गलत बात है। इंट्रूडर कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें ज़्यादा देर परेशान नहीं होना पड़ेगा। गेराल्ट कहता है, इसका मतलब क्या है? इंट्रूडर कहता है, इसका मतलब ये है
कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में मार दूंगा। गेराल्ट कहता है ये कुछ ज़्यादा ही हास नहीं हो गया? इंटूडे कहता है हाँ सॉरी मिस्टर गेराल्ट, लेकिन अफसोस मुझे ये करना पड़ेगा। गेराल्ट कहता है यार तुम अच्छे खासे ज्वेलरी रोबर थे, आखिरकार तुम एक मर्डर क्यों करना चाहते हो? अगर ज्वेलरी रोबरी में तुम पकड़ा भी जाते हो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम थोड़ी होता, लेकिन अगर तुम किसी का मर्डर कर दोगे और तुम पकड़ा जाओगे तो तुम्हें पता है तुम्हें फांसी हो जाएगी। इंटूडे कहता है देखो यार मैं अभी अभी एक मर्डर करके आया हूँ, तो मैं एक मर्डर करूँ या दो मर्डर करूँ? अगर वो मुझे पकड़ लिए तो एक ही बार तो फांसी में चढ़ाएंगे ना। गेराल्ट कहता है वैसे तुम होशियार तो हो, अच्छा तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम मुझे मार के मेरी आइडेंटिटी ले लोगे और यहाँ पे मेरी जगह पे रहोगे? इंटूडे कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें चूज किया क्योंकि तुम एकदम मेरे जैसे हो, तुम्हारी सारी हैबिट्स मेरे जैसे हैं और यार मैं तुम्हारे कैरेक्टर में ना एकदम बढ़िया से फिट हो जाऊंगा, और देखो अब तो मैं तुमसे बात करके तुम्हारे जैसे बात करना भी सीख गया। हाय मिस्टर वीसी गेराल्ट स्पीकिंग, और देखो मेरे खड़े होने का स्टाइल एकदम तुम्हारे जैसे है। गेराल्ट कहता है हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन तुम मेरे जैसे दिख नहीं रहे हो। इंटूडे कहता है उसमें क्या है, मैं तुम्हारे चश्मे लगा लूंगा एकदम तुम्हारे जैसे दिखूंगा। गेराल्ट कहता है हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे क्लॉथ? इंटूडे कहते हैं यार उसमें क्या टेंशन है, एक बार मैं तुम्हें मार दूंगा फिर तुम्हारे कपड़े तो मेरे फिट ही आ रहे हैं। गेराल्ट कहते हैं लेकिन क्या तुम श्योर हो कि अगर तुम मुझे मार के मेरी जगह पे यहाँ पे रहोगे तो तुम बच जाओगे? इंटूडे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। गेराल्ट कहता है तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी सारी हैबिट्स मेरे जैसे हैं, मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई स्कूल टीचर होऊंगा? मैं भी बंदूक की नोक में खेलता हूँ। इंटूडे कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? गेराल्ट कहता है देखो यार ऐसा है कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ और अभी अभी हमारे एक ग्रुप के मेंबर ने कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से मेरा प्रूफ पुलिस के पास पहुंच गया है और अभी मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। मेन रोड में वहाँ मेरा एक आदमी खड़ा है, जैसे ही वो पुलिस को देखेगा वो तुरंत मुझे कॉल करेगा, मैं अपनी कार लूंगा और यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा। और अगर तुम यहाँ पे मेरी जगह पे मेरे घर पे रहोगे तो अगर तुम इंट्रूडर के नाम पे नहीं भी पकड़ा है तो मिस्टर गेराल्ट के नाम पे पकड़ा जाओगे और तो भी तुम्हें वही सजा मिलेगी जो तुम्हें मिलने वाली थी। इंट्रूडर कहता है हो सकता है इसमें कुछ सच हो, वैसे ये तुम्हारे बैग में क्या है? गेराल्ट कहता है ये बैग यार इसमें मेरे आउटफिट है, अब मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ थोड़ी ही ना हूँ कि रोड में अपनी आइडेंटिटी लेके घूम रहा हूँ, यार पुलिस वाले देख लेंगे तो पकड़ लेंगे ना, इसमें नकली मूछ नकली बाल हैं जिसकी वजह से जब मैं रोड में जाऊँ तो मुझे कोई पहचान ना ले। हो सकता है लेकिन मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है। गेराल्ट कहता है अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, मेन रोड में वो जो इंसान खड़ा है अगर वो कॉल किया तो तुम मेरे साथ चुपचाप मेरी कार में चलना और हम वहां से भाग जाएंगे। इंट्रूडर कहता है लेकिन मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे पर भरोसा है नहीं। गेराल्ट कहता है अरे यार तुम बेवकूफों जैसी बात मत करो, गन तुम्हारे पास है जब मन करे मार देना। अच्छा चलो टाइम मत वेस्ट करो, और फिर तुरंत गेराल्ट अपना बैग उठाता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। इंट्रूडर कहता है देखो बॉस मैं तुम्हें देख रहा हूँ, होशियारी करने की कोशिश मत करना। कि तभी गेराल्ट का कॉल बजता है और वो तुरंत निकल पड़ते हैं अपनी कार की ओर। लेकिन जैसे ही गेराल्ट रूम से बाहर निकलने वाला था इंट्रूडर कहता है एक सेकंड रुको, मैं कैसे मानूं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ? गेराल्ट कहता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बुद्धू बना रहा हूँ, एक काम करो खुद ही दरवाजे से बाहर निकल लो और पुलिस को देख लो। इंट्रूडर अपनी गन को गेराल्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है और दरवाजे को हल्का सा खोलता है, और जैसे ही वो अपना चेहरा दरवाजे के बाहर करने को करता है गेराल्ट तुरंत उसको धक्का मारता है और दरवाजा बंद कर लेता है, और फिर उसकी गन जो नीचे गिर जाती है उसे उठाता है और उसकी तरफ पॉइंट आउट कर लेता है। एक्चुअली में वो कोई दूसरा डोर नहीं था, वो गेराल्ट का कबर्ड था। और फिर गेराल्ट अपना कॉल उठाता है और कहता है हाँ सॉरी आज मैं रिहर्सल का सामान नहीं ला पाऊंगा, आज ड्रामा ऐसे ही परफॉर्म कर लो कल मैं ले आऊंगा। अच्छा सुनो ना एक काम कर देना, मेरा वो एक दोस्त है ना जो पुलिस में है सर्जेंट, तुम उसको कह देना कि वो जल्दी जल्दी मेरे घर आ जाए, और हाँ वो तुम्हें पब्लिक बाद में मिलेगा। तो यार बस यहीं पे खत्म होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इफ आई वर यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे लाल दरवाजा को नॉक करके बेल प्रेस कर देना जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।